सुनील वर्मा जी, माननीय मंत्री जी को हिमाचल की टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करें। सभी महिला अधिवक्ता माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। इधर आओ, बाकी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो बच्ची, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, वेलकम करता हूं। और हमारे जितने भी सभी अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से भी मैं मंत्री जी का स्वागत। कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि बारों की जल्द से जल्द व्यवस्था जो है वो वकीलों को की जाए, क्योंकि आज अगर हम बचत भवन में आए हैं तो उसका कुल कारण यही है कि हमारे पास कमरा नहीं था। अगर हमारे पास अपनी बारों होता तो हम आपका वेलकम अपने बारों में करते तो हमें कुछ और मजा आता। हमारे पास केवल एक कमरा जो है आजकल नहीं भेजे हुए हैं, लेकिन वो उतना इतना छोटा है कि वहां पे कम से कम भी 40 से ज्यादा वकील नहीं बैठ सकते। मंत्री जी, हमारा उद्देश्य रहा है कि उस बार रूम को हम लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें और हम एक अलग से अपना बार रूम जो हमारे पास है उसको हमारी मीटिंग होती है या हमारे और फंक्शन होते हैं उसके लिए हमें वो उपयुक्त स्थान है। इसके साथ ही मैं ये डिमांड करता हूं कि आज समय बदल गया है, आगे किताबें आती थी, अब इंटरनेट है, व्यवस्था चेंज हो चुकी है, सिस्टम चेंज हो चुका है। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एक अभी नई बिल्डिंग में मिनी सा छोटा सा बाथरूम है, 40-45 के करीब लोग बैठते हैं, उसको हम लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें और वहां पे कम से कम आप हमें 10 कंप्यूटर देने की घोषणा यहाँ से करें। इसका सवाल है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम ही एडवोकेट्स के मसले जो है सरकार के सामने आने लगे हैं और स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही हुआ कि स्टेट लेवल पे भी एडवोकेट्स मिले, तो इसीलिए एडवोकेट्स के लिए और आपकी सुविधाओं के लिए फर्स्ट टाइम जो है 1 करोड़ रुपए की राशि बजट में इसका प्रावधान किया गया। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यहाँ पे सामने रखे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम एडवोकेट्स की जितने भी मसले हैं मांगे हैं हम उसके लिए पूरी तरह ओपन हैं और हमारे बारे में भी जो राय है आपकी वो हमारे काम से होनी चाहिए, अपने पूर्वाग्रह से या जो है पूर्वानुमानों से नहीं होनी चाहिए।